गाइस, कभी कभी हम अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते हैं कि वह रातों रात अमीर हो गया, तुम रातों रात अंग्रेजी नहीं सीख सकते, वह रातों रात मुझे अंग्रेजी सिखा सकता है, मैं रातों रात उसे सब कुछ बता सकता हूँ। अगर ऐसे सेंटेंस रहेगा तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, अगर रातों रात की बात है तो रातों रात के लिए हम जिस वर्ड का यूज करेंगे वह है ओवर नाइट। ओवर नाइट मीन्स होता है रातों रात। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है बनाने का, वो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में ओवर नाइट लग जाएगा। ठीक, आइए वन बाय वन एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे ढंग से समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, वह रातों रात अमीर हो गया। तो गाइस, यहाँ पर रातों रात अमीर हो गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए ये सेंटेंस बनेगा ही बिकम मीन्स होना, इसका सेकेंड फॉर्म लगेगा बिकेम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है सेंटेंस है ही बिकेम, इसके बाद अमीर हो गया, रिच, रातों रात, ओवर नाइट। सेकेंड सेंटेंस है, वह रातों रात यहाँ से भाग सकता था। सकता था के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कुड, तो वह रातों रात यहाँ से भाग सकता था, ही कुड। अब भागना इंग्लिश होती है रन अवे। अब यहां से है होगा फ्रॉम हियर, इसके बाद रातों रात, ओवर नाइट। तो सेंटेंस बन गया ही कुड रन अवे फ्रॉम हियर ओवर नाइट, फ्रॉम हियर सॉरी, यहां से है, तो ही कुड रन अवे फ्रॉम हियर ओवर नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह काम रातों रात नहीं हो सकता था। तो गाइस, यहां पर देखिए, यह काम रातों रात नहीं अर्थात किया जा सकता था, ये पैसिव वॉइस में है, इसलिए यह बनेगा दिस वर्क, दिस वर्क कुडंट, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, कुडंट बी डन ओवर नाइट। ठीक, दिस वर्क कुडंट बी डन ओवर नाइट या दिस वर्क कुड नॉट बी डन ओवर नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह रातों रात अंग्रेजी बोलने लगा। लगा के लिए हम बिगेन टू का यूज करते हैं, वह रातों रात अंग्रेजी बोलने लगा, ही बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, इसके बाद ओवर नाइट। सेंटेंस बन गया, ही बिगेन टू स्पीक इंग्लिश ओवर नाइट। और लास्ट सेंटेंस है, मैं उसे रातों रात अंग्रेजी सिखा सकता। सेंटेंस आपके लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा।